अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने एलएलबी पार्ट वन का जो पेपर अरेबिक लैंग्वेज का है, पेपर नंबर 6 है और इसके टोटल मार्क्स जो है वो 40 हैं, और हमने कम टाइम में इस पेपर को किस तरह प्रिपेयर करना है और इसमें हमने पासिंग मार्क्स किस तरह लेने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि इस पेपर का पैटर्न क्या है और एग्जामिनर हमसे किस पैटर्न में इस पेपर को पूछता है और इस पेपर की मार्क्स डिवीजन कैसे है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 इस पेपर में आता है वो 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 वो भी 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 5 मार्क्स के हैं और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 10 मार्क्स का है। और LLB के सिलेबस के मुताबिक, पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक जो बुक हमें रिकमेंड की जाती है, स्टूडेंट्स को रिकमेंड की जाती है अरबिक लैंग्वेज के लिए, वो है अल लिसानुल अरबी और ये बुक है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। अब मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप अरबिक लैंग्वेज के पेपर के लिए 2 चैप्टर मेनली अगर आप फोकस करके तैयार कर लेते हैं तो आप इन 40 मार्क्स में से इजीली 20 मार्क्स ले सकते हैं, मीनिंग देयर बाय आप इस पेपर को इजीली पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20, अगर ये 2 चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं तो आप अरबिक लैंग्वेज का पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हैं और पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो 3 पोर्शन देगा, पहला जो पोर्शन होगा उसमें छोटे छोटे उसने सेंटेंसेस दिए होंगे और वो आपसे उसको पैराग्राफ की सूरत में ट्रांसलेट करने को कहेगा। उसका जो दूसरा पोर्शन होगा उसमें वो आपको एक हदीस देगा जिसका आपने ट्रांसलेशन करनी होगी और वो हदीस वो लेगा आपके चैप्टर नंबर 20 में से। और उसका जो तीसरा पोर्शन होगा उसमें वो एक शैतान की कहानी है उसमें से एक पैराग्राफ उठा के देगा और वो है चैप्टर नंबर 19 उसका पार्ट बी। अगर आप चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर 19 उसका पार्ट बी तैयार करते हैं तो ये पेट एग्जामिनर आपको 10 मार्क्स यहां से दे देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो गीत हुए हैं अरेबिक लैंग्वेज की बुक में, 4 से 5 किस्म के गीत दिए हुए हैं अरेबिक में और उनकी ट्रांसलेशन करनी होती है और वो गीत जो है वो चैप्टर नंबर 19 और इसका पार्ट ए है। अगर आप वो 4 से 5 गीत तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनर आपको इसके भी 10 पेट मार्क्स दे देगा। यहां से आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे, यहां से 10 मार्क्स आ जाएंगे, 20 मार्क्स आपके यही 2 क्वेश्चन कवर करते हैं और आप 40 में से 20 मार्क्स लेके अपने पेपर को इजीली पास कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपने अरेंजमेंट करनी होती है, अरबिक लैंग्वेज में उन्होंने 3 से 4 वर्ड दिए होते हैं और आपने उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग करनी होती है उसी तरह जिस तरह इंग्लिश में या उर्दू लैंग्वेज में हमने करनी होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या फाइल फेल और मफूल के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड्स दिए होते हैं अरबिक लैंग्वेज में और उनके सेंटेंस बनाने होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन भी अरबिक लैंग्वेज में होते हैं और उनके आंसर भी अरबिक लैंग्वेज में करने होते हैं। वैसे तो स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो ओवरऑल ही सिलेबस को तैयार करे, लेकिन अब चूंकि टाइम कम है स्टूडेंट मेनली इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि हम एग्जाम में पेपर को पास किस तरह करें, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज जो है ये हमें उस तरह से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं आती जिस तरह उनको इंग्लिश एज वेल एज उर्दू लैंग्वेज आती है। तो अगर आप चैप्टर 20 और चैप्टर 19 के 2 पार्ट, चैप्टर ए और पार्ट ए और पार्ट बी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 20 मार्क्स आपको पेट मिलने हैं, और अगर आप इस पेपर पे फोकस करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग पेपर है। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 के हैंडआउट्स भी अगर चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आप नीचे कमेंट करके हमसे वो हैंडआउट मंगवा सकते हैं, हमें नंबर जो हमने दिए हैं वो वीडियो के नीचे भी आ रहे हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हैं, आप वहाँ से हमारे साथ रब्ता करके वो चैप्टर भी मंगवा सकते हैं। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क अस एनी टाइम, और आप कमेंट करके हमसे भी वो चीज़ पूछ सकते हैं। विच यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।